कोरोना से आर पार की अब जंग छिड़ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस, मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। अब सवाल ये जितना बड़ा है कि कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, उससे बड़ा सवाल ये है कि इस कोरोना के गोरिल्ला हमले से बचे कैसे, और अगर हमला कर भी दे कोरोना तो कैसे हॉस्पिटल जाने से बचे, क्योंकि जो हालात हैं आप हॉस्पिटल्स के देख रहे हैं, न वहां बेड है, न वहां ऑक्सीजन है, न वहां दवाइयां हैं। ऐसा नहीं कि ये सब खत्म हो गए हैं, लेकिन अब इनकी किल्लत हो रही है। अब और ज्यादा मरीजों का भार सहने लायक हॉस्पिटल के हालात नहीं बचे हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है ये समझना कि इस कोरोना से लड़ने के लिए अब दूसरा दांव हमारे पास क्या है। क्या बिना हॉस्पिटल गए हम कोरोना को मात दे सकते हैं? क्या घर पर हम रहकर कोरोना से जंग लड़ सकते हैं? कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब हमें परेशान होना चाहिए, या कब तक इत्मीनान से हमें कोरोना से खुद हम लड़ सकते हैं? वो तमाम सवाल हैं जो आपके मन में आ सकते हैं। घर बैठे तो किससे इलाज लें, कैसे इलाज लें, आइए आज महाबहस में हम करेंगे बात इन्हीं सवालों पर देश के टॉप डॉक्टर्स के साथ, और फिर ये भी कि आखिर ऑक्सीजन की जंग क्यों छिड़ी है। आज महाबहस में ये भी सवाल। कोरोना का कहर, कितनी बेकाबू लहर। ऑक्सीजन बड़ी तेजी से कम होती है, और तब जब ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती, ऐसे मौके पे प्राइवेट अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और मालिक ये बोलते हैं कि अपने मरीज को ले जाइए, हमको गैस नहीं मिल रही। 8 दिन की रेस, 20 लाख नए केस। जो जिस कैपेसिटी पर हमारे हॉस्पिटल चल रहे थे उसका 50% भी हमारे पास नहीं आ पा रहा था ऑक्सीजन, और जब हमारे मेन वेंडर ने आज मना कर दिया तो अब हमें और कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे पास 3 घंटे की ऑक्सीजन है, हम ट्राई कर रहे हैं और जगह से, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, प्रशासन भी लगा हुआ है, बट प्रॉब्लम ऑक्सीजन की हर जगह है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। देखिए, इस वक्त जो हम लोगों की प्रायोरिटी है कि जितने भी सिम्टोमेटिक हमारे केसेस हैं या जो पॉजिटिव हो गए हैं उनके जो कॉन्टैक्ट के लोग हैं, इनको जितना जल्दी से जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकें, इनका टेस्ट करा सकें। रफली 3,000 के करीब टेस्ट जो हैं वो रोज़ाना हो रहे हैं, और उसमें लगभग 250 से 300 के बीच जो है पॉजिटिविटी रोज़ की रहती है, इतने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अब की बार कैसे रुकेगा हाहाकार, देखिए आज महाबहस स्पेशल एडिशन। मेरे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के। डॉक्टर समीर गुप्ता वरिष्ठ चिकित्सक हैं मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर अरविंद कुमार चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल के। डॉक्टर सुमित अग्रवाल इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। आइए आप सभी से आज मैं समझूंगा कि क्या कोरोना से जंग के बीच में जो हालात ये पैदा हो रहे हैं, ऑक्सीजन की जंग छिड़ी हुई है, बेड की जंग छिड़ी हुई है, दवाइयों की जंग छिड़ी हुई है, तो अब इस कोरोना से जंग कैसे लड़ें, कैसे जीतें, इन सवालों के लिए क्या अब नई रणनीति हमें बनाने की जरूरत है। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के। डॉक्टर अरविंद कुमार सर, आप हमें सबसे पहले ये बताइए ये कितनी भयावह जंग अब बन चुकी है, पहले तो इसको समझना चाहिए हमें, क्या सिचुएशन है इस वक्त? एक्चुअली बहुत तरह की खबरें आ रही है। देखिए, सिचुएशन इस समय बहुत ही सीरियस है, मतलब सीरियस से भी ज्यादा अगर कोई बड़ा वर्ड है तो मैं उसको यूज करना चाहूंगा, भयावह है। और वो क्या है कि आपने देखा होगा 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, आज वो आंकड़ा 3.25 लाख को पार कर चुका है। जब इतने लाखों की संख्या में 10-12 दिन के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, और उनमें से अगर 10% रोगी भी मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के हों जिनको अस्पताल जाने की जरूरत है, तो आप सोच सकते हैं कि एक लिमिटेड समय सीमा के अंदर किस तरह लाखों लोग पूरे देश में अस्पतालों में पहुंच गए हैं। और इसी वजह से अस्पताल जो हैं उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, ओवरवेल्म्ड, यानी कि अस्पताल पूरी तरह से चोक हो चुके हैं।
सारे बेड्स फुल हो गए हैं, आईसीयू फुल हो गए हैं, अवेलेबल वेंटिलेटर यूज हो चुके हैं, दवाएं कम हो गई हैं, और अब जो सबसे भयानक स्थिति जिसकी कभी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि अब ऑक्सीजन तक की किल्लत हो रही है और ज्यादातर हॉस्पिटल इस समय एक एक दो दो घंटे की ऑक्सीजन के लेकर के सांस किसी तरह से चला रहे हैं। अगर कहीं भी ये ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो किसी भी समय एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो अगर गंभीर से भी बड़ा कोई शब्द होता हो तो वो मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर हमें बता रहे हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार जो चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के मेदांता में, गंभीर से भी गंभीर है। तो ऐसे में अब मिश्रा साहब, डॉक्टर एमसी मिश्रा, आप तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन को हेड कर चुके हैं, हमें ये बताइए, मैं आज ये समझना चाहता हूँ, भयावहता की खबरें तो आ रही हैं, इस सब के बीच में उम्मीद की किरणें कैसे हैं? ये गोरिल्ला हमला जो हुआ है अचानक से, इसने जो चित कर दिया है हमें कोरोना ने, तो उससे लड़ने के उपाय हमारे पास क्या क्या हैं बिना हॉस्पिटल के? हॉस्पिटल में तो है ही नहीं जगह। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम 90-95% कोविड पॉजिटिव लोगों का जो ट्रीटमेंट है होम केयर में, होम हॉस्पिटलाइजेशन करके कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इससे अभी भी ठीक हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप केस फेटलिटी देखेंगे तो ये पिछले वर्ष से कम है अभी भी। तो इसलिए लोगों का अगर सहयोग रहेगा और वो बचाव के उपाय करते रहेंगे जो आप लोग बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं पिछले एक महीने से, तो संक्रमण में बहुत जल्दी गिरावट आएगी। उसी बीच में लोग अपने घर पे रह के अपना इलाज, इस जो कोविड का जो संक्रमण होता है उसमें जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात होती है वो निमोनिया होता है लंग में। अगर वो निमोनिया नहीं है तो सभी लोग घर में आराम से ठीक हो सकते हैं जी। निमोनिया में भी अगर किसी को बहुत सीवियर निमोनिया नहीं है, हाँ। और माइल्ड निमोनिया है या मॉडरेट है, वो भी घर में ट्रीट हो सकते हैं। अपना जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके सब लोग अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं और उसके बाद फिर वो उसका ऑक्सीजन लेवल 88 से एकदम 95 हो सकता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, और कुछ पेट के बल लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी वो लोग कर सकते हैं और उससे भी बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे जो दवाइयां हैं उनमें से कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कोविड के को आप कहें गारंटी करके कि ये कोविड को ठीक कर देगी। तो ये भी लोगों को समझना पड़ेगा कि आपकी सबसे बड़ी दवाई है पैरासिटामोल और ऑक्सीजन अगर जरूरत है तो, और हॉस्पिटल में तभी जाएं जब आप घर पे इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जी। तो 90-95% इसको ध्यान दीजिए, 100 में से 90-95 90-95% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती है। तो किसको जरूरत होती है? इंटरनल मेडिसिन से मेरे साथ हैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल साहब, किसको जरूरत होती है कि वो हॉस्पिटल जाए? कौन सा वो लम्हा होता है, कौन सा वो वक्त होता है जब तय हो करे पेशेंट कि उसको अब हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, जो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि मोस्टली जो पेशेंट की जो कंडीशन, जैसे अभी हमारी बात हुई कि पेशेंट की आजकल कंडीशन बहुत भयानक हो रही है, वास्तव में बहुत भयानक है। हम एक आपस में बात करते हैं तो एक देसी भाषा में हम आपस में कहते हैं, अब मैं ये कहता हूँ कि शायद कोई भी घर नहीं बचेगा इस बार, कोई भी नहीं बचेगा। जो पिछली बार रह गए थे एक एक करके सब इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका सवाल, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मैक्सिमम लोग घर पे ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक का। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग अगर कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नहीं कि आप हॉस्पिटल ना जाएं या सलाह ना लें, डॉक्टर से सलाह लें, जो आपको प्रॉपर मेडिसिन दी जाए वो लें। अगर उसके बाद आपकी तबीयत बिगड़ती है, जो आपने पूछा कि ऐसे क्या सिम्टम है जब आपको हॉस्पिटल रश करना चाहिए, यानी कि अगर आपको एक्सेस फीवर आ रहा है या आपको एक्सेस कफ हो रही है, खांसी हो रही है, या आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगे, या आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लगातार कम होती जाए, कि मान लो
कल तक हमारी 98 चल रही थी, आज हमारी 96 हो गई, कल हमारी 94 आ गई, इसका मतलब अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कंटिन्यू फॉल कर रही है या आपकी हार्ट रेट फॉल कर रही है या आपको एक्सेस वीकनेस हो रही है या आपको एक्सेस फीवर और कफ हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये वो कंडीशंस है जिन कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां मेंशन करना चाहूंगा। राइट सर, प्लीज प्लीज गो अहेड कंप्लीट। हाँ जी, हाँ मैं ये बात कहना चाहूंगा, मेंशन करना चाहूंगा कि जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार केस फर्टिलिटी वास्तव में कम है, जो लोगों की तबीयत बिगड़ रही है वो इसलिए बिगड़ रही है कि वो लोग कोई ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है, कोई डॉक्टरी सलाह लेते ही नहीं है, मान के चलते हैं भाई ये तो हमें हर साल इस मौसम में होता ही है और अपने घर पे ही लोकल भाप ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बिना विदाउट एनी ट्रीटमेंट बैठ रहे थे, उन्हीं की तबीयत बिगड़ती है। ओ, ये बड़ी अगर अहम बात आप प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन के साथ चलेंगे जी। डॉक्टर डॉक्टर समीर गुप्ता जी, मैं आपको लाना चाहता हूँ, अगर ये आप प्रॉपर मेडिकल सलाह से चलेंगे। राइट सर, राइट सर। डॉक्टर समीर गुप्ता, मैं आपको लाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो कंफ्यूजन ये है कि इस बार फर्टिलिटी ज्यादा हो रही है, मोर्टेलिटी ज्यादा है, लेकिन हमें डॉक्टर सुमित अग्रवाल कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, लेकिन केसेस बिगड़ रहे हैं क्योंकि आप अपने ही ट्रीटमेंट में लगे रह जाते हैं, तो घर पे कैसे ट्रीटमेंट लें, इसका क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए अगर लक्षण दिखते हैं तो? सर ऐसा है कि अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लक्षण नजर आते हैं तो डेफिनेटली आप इमीडिएट मेडिकल कंसल्टेशन लें। मेडिकल कंसल्टेशन लेना, हॉस्पिटल में एडमिट होना दोनों अलग बातें हैं। अगर आप अपने डॉक्टर के टच में जा रहे हैं, डॉक्टर अगर आपको प्रॉपर सलाह देके जांच करवा के ट्रीटमेंट एडवाइज कर रहे हैं, वो आप लीजिए, घर पे लीजिए, आराम से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम सलाह ही ना लें। डॉक्टर समीर गुप्ता, डॉक्टर समीर को भी मिला रहा हूं, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर समीर गुप्ता भी हैं। यस यस डॉक्टर समीर गुप्ता, कई बार मैंने देखा है कई लोगों को ये दिक्कत नहीं समझ में आ रही है क्योंकि एक क्योटिक सिचुएशन है इस वक्त में कि कहां से सलाह लें, किस डॉक्टर को ऑप्ट करें, कैसे ओपिनियन लें घर बैठे हुए। प्लीज सजेस्ट, ओपिनियन लें घर बैठे हुए। देखिए अभी जो अभी अभी जैसे डॉक्टर अरविंद ने भी बताया था और जो बाकी डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया, डॉक्टर सबने यही बताया, डॉक्टर अग्रवाल ने भी यही बताया कि अभी जो है भारत एक लाइफ सपोर्ट पर है, यू नो इंडिया इज ऑन लाइफ सपोर्ट। हालत बहुत गंभीर है, केसेस सब जगह हैं। इस वेव में हर आदमी फर्स्ट डिग्री से ही इसको वो बीमारी हो रही है। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या, जब पिछली वेव थी तो उसमें ये था कि हाँ मेरा एक फ्रेंड है, उसके भाई को हुआ है, इतना दूर का रिश्ता हो रहा था। इस बार तो ये हो रहा जी, मेरे घर में आ चुका है कोविड। इस बार कोविड की वेव में घर पे कोविड आ गया है, 3 लाख केस रोज के हो रहे हैं, आज 3 लाख, कल पौने 3 लाख। तो ये बहुत जरूरी है कि सब लोग सतर्क रहें, कोविड से बचें, अननेसेसरी एक्टिविटीज में बिल्कुल ना जाएं। कोई हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, कोई शादी में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अनेक लोगों को जानता हूं जो एक शादी में गए, पार्टी में गए, सिर्फ 10 लोगों की पार्टी थी लेकिन वहां पर धड़ाधड़ 10 के 10 इन्फेक्ट हो गए। अब आप घर बैठे हैं, आपको कोविड हो गया तो अच्छा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब कभी वैश्विक महामारी फैल रही होती है, व्हेन यू आर इन द मिडस्ट ऑफ अ ग्लोबल पैंडेमिक, और अगर आपको बुखार है तो वो बुखार कोविड ही मान के चलते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये मेरा गला खराब हो गया, मैं एसी के नीचे सो गया इसलिए मेरा गला खराब हो गया, थोड़ा बुखार इसलिए क्योंकि मैं धूप में चले गया, नहीं। हम आपको कोविड मानेंगे और आपको प्रूव करना है कि ये कोविड नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में 99% ऑफ ऑल फीवर्स आर कमिंग आउट एज कोविड। 99% बुखार जो आ रहे हैं, मेरे आई एम श्योर मेरे सारे पैनलिस्ट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अगर वो कोई बुखार का मरीज देखते हैं तो उसको कोविड मानते हैं। तो प्लीज अगर आप घर पर हैं, अपनी सावधानियां बरतिए, अपने घर वालों से दूर रखिए, ठीक है, विटामिन सी दीजिए, जिंक लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, और अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है देन प्लीज गो टू द क्लोजेस्ट हॉस्पिटल, अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करिए, टेलीकॉन्सल्ट में टेलीकॉन्सल्ट करिए, फोन पे बात करिए। आपको डॉक्टर के पास अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है बहुत बताने के लिए कि मैं क्या करूं। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरनी शुरू हुई, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हुई, अगर आपका बुखार नहीं टूट रहा, तब अस्पताल जाइए। अदरवाइज ठीक है, माइल्ड फीवर, अगर आप स्टेबल हैं अदरवाइज आप घर पे रहिए। ठीक है डॉक्टर अरविंद कुमार, राइट सर।
डॉक्टर अरविंद कुमार, जो जो अभी अभी डॉक्टर डॉक्टर सुमित कह रहे थे, वो लक्षणों को लेकर के भी बड़ा कंफ्यूजन है, तो क्या किसी भी तरह से आप, किसी को जुकाम है तो फीवर है, किसी को जुकाम नहीं है फिर भी फीवर आ गया, किसी को कफिंग हो रही है नहीं हो रही है, किसी को थ्रोट में इन्फेक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं जिसको लेकर चौकस होने की जरूरत है, या इनमें से कोई भी सिम्टम है तो भी आप मान लीजिए कि कोविड हो सकता है? जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा और उसके साथ मैं आपसे दो मिनट का बात मांगूंगा कुछ दो बहुत ही अहम बातें कन्वे करने के लिए। तो एक तो सिम्टम की आपने बात की, इस समय सिम्टम्स बहुत वेरीड हो रहे हैं। फीवर तो एक मूल मुद्दा है, बहुत से लोगों में ये जुकाम के रूप में स्टार्ट हो रहा है, नाक बहने लगती है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, जो पेट के सिम्टम्स यानी डायरिया होने लगा, हमारी स्मेल का सेंस चला गया, टेस्ट का सेंस चला गया, चेस्ट में पेन हुआ, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत सारे वेरिड सिम्टम हो रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इस समय अगर इनमें से जुखाम, डायरिया, इनमें से कोई भी तकलीफ अगर आपको हो, इट इज कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मेरे को पैनलिस्ट ने यह बात कही, मैं 100% सहमत हूं। अगर आपको ऐसा हो, पहला काम आप ये करें कि अपने को घर में आइसोलेट करें कोविड मान के, ताकि हो सकता है आपके दूसरे लोगों को ये संक्रमण होने से बचे, नंबर एक। नंबर दो, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि घर पे इलाज करना और सेल्फ मेडिकेशन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी डॉक्टर से टेली कंसल्ट करिए, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है बुखार को डाउन करना, जिसमें पैरासिटामोल यूजुअली काम करती है, कभी कभी पैरासिटामोल नहीं उतार पाती तो पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, लेकिन बुखार को उतारना जरूरी है, नहीं तो अगर 102 103 बुखार रहेगा तो आपको बहुत सीवियर एग्जॉस्टन होगा उससे। उसके साथ साथ जो बाकी दवाएं हैं वो आप डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप ना लें। सबसे जरूरी चीज है कि खाना खाते रहें, खाली पेट ना रहें, भूख अगर ना भी हो तो जो आपकी नॉर्मल डाइट है वो लेते रहें, 2.5 से 3 लीटर में लिक्विड्स, कोई भी तरह के लिक्विड्स हो लेते रहें। अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज स्मोक ना करें, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक ना करें, और जहां तक संभव हो बेड रेस्ट करें। एक ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने वाली छोटी सी मशीन होती है वो जरूर ले लें और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है, आपको किसी तरह की हॉस्पिटल या कहीं की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से टेली कंसल्ट लेके अपना घर में इलाज करें। अगर किसी, और ये 90 से 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, 5 से 10% लोग होंगे जिनका ऑक्सीजन 94 से कम होना शुरू होगा, अगर ऐसा हुआ तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहां अपने लोगों को बोले कि अब मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है, और एक हॉस्पिटल का बेड ढूंढना शुरू करो। लेकिन जब तक वो बेड ढूंढ रहा है, आप घर में क्या कर सकते हैं, आप तुरंत पेट के बल लेट जाइए। हम लोग नॉर्मली जब लेटते हैं तो बैक के साइड से लेटते हैं, अगर आप अपने पेट के बल लेट जाएं, सर की तरफ एक तकिया रखें, उस पर ऐसे दो हाथ रख के उस पर आप अपना सर रख लें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ये मैं दिखाना चाहूंगा सबको कि मुंह खोल के आप गहरा सांस खींचिए अंदर, जितना गहरा खींच सकते हैं, और जितना गहरा खींच सकते हैं खींच करके वहां फ्रीज कर दीजिए, और जितनी देर आप उसको रोक सकते हैं, हम इसको कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग, डीप ब्रीदिंग एंड देन ब्रेथ होल्डिंग, इसको करिए। अगर आप पेट के बल लेट गए और आपने ये ब्रेथ होल्डिंग शुरू कर दिया, तो अगर आपका सेचुरेशन 85, 86, 87 तक आया है, तो वो 5 से 8% का इमीडिएट उसमें देखिएगा, आधे घंटे में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो जब तक आपका हॉस्पिटल बेड का या ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट हो रहा है, पैनिक करने की जगह पेट के बल लेट करके और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप अपनी ऑक्सीजन को उस समय बढ़ा सकते हैं। दो दवाइयों की बहुत किल्लत इस समय हो रही है, रेमडेसिविर और फेबीफ्लू। मैं इसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि दोनों में से कोई भी दवा मैजिक बुलेट नहीं है। लोग ये सोच के चल रहे हैं कि अगर हमारे मरीज को रेमडेसिविर लग गई तो वो 100% बच जाएगा, और अगर किसी को नहीं मिल पाई और उसकी मृत्यु हो गई तो ये रेमडेसिविर ना मिलने की वजह से हुआ।
जो WHO के ट्रायल्स हैं उन्होंने क्लियरली ये शो किया कि रेमडेसिविर जिन लोगों को दी गई और जिन लोगों को नहीं दी गई उन दोनों ग्रुप्स में डेथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, पेशेंट के रिकवरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल उनका जो ICU स्टे था, टाइम टू रिकवरी, वो कम हुआ और उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये भी रेमडेसिविर एक बहुत ही सिलेक्ट ग्रुप में जिनका ऑक्सीजन फॉल कर रहा है और सीटी स्कैन में न्यूमोनिया के पैचेस दिख रहे हैं लेकिन अभी वो वेंटिलेटर पे नहीं गए हैं, वो टाइम होता है जहां उन लोगों को रेमडेसिविर देने से थोड़ा सा फायदा होता है। right, तो प्लीज अगर रेमडेसिविर ना मिल रही है तो उसके लिए पागल ना हो, उसके बिना भी आपका मरीज बच सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जो चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के मेदांता से जो बता रहे हैं हमें, इन बातों को एक एक बातों को गांठ बांध लीजिए। तो एक तो बात साफ होगी कि 95% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है आपको तो घर पर रह के आराम से आप अपना इलाज डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं टेलीमेडिसिन के जरिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा, अब सवाल हम करते हैं कि वो 5% लोग जिनको नौबत आती है कि उनको फीवर भी हाई आ रहा है, उनको थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग में भी सपोज कि किसी को प्रॉब्लम आ रही है या थोड़ी सी कफिंग भी शुरू हो गई है, तो वो क्या करें घर पे? जैसे कि मैंने देखा है कई केसेस में कि अब उसको जरूरत है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप सीटी कराओ चेस्ट का। अब कहां पेशेंट जाए सीटी कराने, कैसे करें, कैसे ट्रीटमेंट ले, फिर हॉस्पिटल अगर नहीं मिल पा रहा है तो बेस्ट गाइड अभी भी हमारा होगा ऑक्सीजन लेवल। आप ना तो हम एक्सरे का इलाज करते हैं ना सीटी स्कैन का इलाज करते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है, पेशेंट का बुखार नीचे आ गया है, पेशेंट खाना पीना खा रहा है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और 5% भी नंबर ज्यादा है, बहुत कम लोगों को, चूंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि वो थोड़े से लोग भी अस्पताल आ जाते हैं तो अस्पताल भर जाता है, बस और कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि बुखार आपका नीचे आ रहा है और बुखार वाली दवाइयों से नहीं नीचे आता है तो कोल्ड स्पंजिंग करिए, वो उससे बुखार बिल्कुल आप गीली चादर उड़ा दीजिए रोगी को और उनका जो बुखार है 15 मिनट में नीचे आ जाएगा। और तो ये भी हम लोगों ने बहुत किया है भारत में, तो कोल्ड स्पंजिंग, चूंकि मलेरिया, डेंगू और उसके अलावा सारे वायरल फीवर राउंड द ईयर होते हैं तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये हम लोग सालों साल करते आए हैं इसका। और ये भी एक वायरल फीवर है, केवल फर्क इतना है कि जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, अच्छा लंग इन्वॉल्वमेंट भी हर एक का उतना सीवियर नहीं होता है, बहुत कम 1% लोगों का उतना सीवियर होता है जिनको डायबिटीज है और कोमॉर्बिडिटीज है, तो उनमें फिर जरूर दिक्कत आती है और जो मृत्यु दर भी है वो उन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा है। राइट, तो इसलिए जो लोग यंग हैं उनको तो बिल्कुल भी अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आजकल किसी को भी लक्षण है मैं तो कोविड टेस्ट कराने को भी मना कर देता हूँ कि आप घर में आइसोलेट कर लीजिए अपने को, इसको कोविड मानिए कहीं, क्योंकि आजकल कोविड की रिपोर्ट भी 3-4 दिन में मिल रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप 4 दिन वेट करेंगे इलाज के लिए? नहीं। तो अच्छा, फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स होम केयर के लिए रजिस्टर कर लेते हैं कुछ पैसे दे करके, वो कर लीजिए। आपका कोई ना कोई फिजिशियन जरूर होगा जिसको आप पीछे करते आए हैं कंसल्ट, उनसे संपर्क कर लीजिए, उनसे व्हाट्सएप कर दीजिए उनको अपने लक्षण, वो जवाब दे देंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने को, और फिर दिल्ली में अगर कोई है मान लीजिए तो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पे संपर्क कर लें, हेल्पलाइन है सरकार की उसमें देख लें अगर संभव है, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादातर उनके कोई ना कोई हेल्पलाइन है, होम केयर का इंतजाम है, और ये होम केयर भी होम हॉस्पिटलाइजेशन कर दीजिए इसको, और घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेट जैसे आपको पीछे बताया गया अगर वो इंतजाम कर सकते हैं। देखिए हर एक के साधन नहीं होते, हर एक जना हमारे भारत में देखिए ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये सब हम जो बात कर रहे हैं ये थ्योरेटिकल बात हो जाती है बहुत सारी, क्योंकि उसमें लोग उतना नहीं समझते हैं। तो कम से कम लंबी सांस लेना, अनुलोम विलोम और वो प्राणायाम, ब्रेथ होल्डिंग जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा, ये तो सब कर सकते हैं ना, बिल्कुल, पेट के बल तो सभी लेट सकते हैं, एक्सेप्ट कोई बहुत ओबीज हो या किसी को दिक्कत है तो अलग बात है, ये सब कर सकते हैं लोग। पानी खूब पीजिए, अपना फ्लूइड्स लीजिए, उसमें आप नारियल पानी पीजिए, सब कुछ करिए। तो ये सब करते रहेंगे तो अधिकतर लोग ठीक हो जाएंगे। मैंने बताया ना केवल पैरासिटामोल ज्यादातर लोगों को चाहिए,
और अगर उससे नहीं आ रहा है बुखार नीचे तो कोल्ड स्पंजिंग, और इसके अलावा जो भी डाइटरी एडवाइस डॉक्टर अरविंद ने और सबने बताई है, डॉक्टर समीर ने, डॉक्टर अग्रवाल ने, सभी ने वही कमोवेश वही बात हम सब कह रहे हैं कि पहले तो घबराना नहीं है और अपना टेम्परेचर चार्ट बनाइए, ऑक्सीजन चार्ट बना लीजिए, जिससे कभी किसी को कंसल्ट भी करें तो उनको आप बता सकें कि मेरा इतना था और इतना हो गया। राइट सर, राइट सर, एब्सोल्युटली। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, इंटरनल मेडिसिन, डॉक्टर साहब ये जो सारी बातें हो रही हैं बड़ी, इसमें मैंने आप लोगों से लगातार मैं संपर्क में हूं इस प्रोग्राम के जरिए, मन की लड़ाई ये ज्यादा बड़ी है दवा से ज्यादा, मुझे लगता है कोरोना लोग घबरा रहे हैं, उससे ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं, तो आप ये हमें समझाए कि क्या ये बात सही है और किन लोगों को घबराना नहीं है लेकिन चौकस रहना चाहिए, वो जो 2-3% लोग हैं जिनको सीवियरिटी आ सकती है। डॉक्टर सुमित अग्रवाल जी, जी देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है जो कह रहे हैं कि मन, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहली बात कि ये कोरोना नाम सुनते ही, मतलब सच में कि किसी पेशेंट ने मुझे बोला, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक पेशेंट बोला डॉक्टर साहब कोरोना आ गया तो ऐसा लगता कि जैसे यमदूत आ गए हों, तो ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। घबराने से मन में डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी में लोग, मतलब कोई भी आदमी अब हमें हॉस्पिटल आ जाते हैं कि जी कोरोना हो गया, एडमिट कर दीजिए, घबरा जाते हैं, घर पे क्या करेंगे। नहीं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक वायरल बीमारी है जिसमें 90-95% लोग सिर्फ पैरासीटामोल और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। अगर मन में डिप्रेशन आ गया, एंग्जाइटी आ गई, नेगेटिव फीलिंग आ गई, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, मन की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, आपसे बॉडी, आपके बॉडी से लड़ने की पावर कम हो जाएगी बीमारी से लड़ने की। वो 2-3% लोग जिनको ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरी है, जैसे ओल्ड एज वाले या जिनको क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज मतलब लंबे समय से चलने वाली बीमारियां, कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, या पहले से लंग की डिजीज है, या पहले से लीवर की डिजीज है, जिनको क्रोनिक डिजीज है यानी कि किसी भी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, उनको ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। चौकन्ना रहने में जो मैंने पहले बताया कि अगर आपका मान लो फीवर नहीं टूट रहा है, या आपकी खांसी बढ़ती जा रही है, या आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, या आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कंटिन्यू फॉल कर रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और एडमिट होके इलाज लेना तो है। तो आप लोगों ने जो बताया, मुझे लगता है आप चार डॉक्टर्स, देश के टॉप डॉक्टर्स का कहना साफ तौर पे है कि 95% के आसपास लोगों को ना हॉस्पिटल की जरूरत है, ना ही ऑक्सीजन की जरूरत है, इसीलिए इतना पैनिक की जरूरत ही नहीं है। 2-4% लोगों को अगर जिनको जरूरत है, किनको ये भी बताया गया, तो मन से मजबूत रहिए, खाइए पीजिए, डॉक्टर से घर बैठे सलाह लीजिए और घर पे ही कोरोना को चारों खाने चित कीजिए, यह मुमकिन है। धन्यवाद ऑल द डॉक्टर्स टू यू ऑल हमें यह बताने के लिए, और लौटते हम कुछ ही पलों में, बात इसकी भी तो होगी कि क्यों जंग छिड़ गई है ऑक्सीजन की, ऐसे वक्त में यह कितनी जायज ऑक्सीजन की लड़ाई, कुछ ही पलों में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन पर पीएम मोदी करेंगे बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग, शुक्रवार सुबह पीएम मोदी राज्यों के सीएम के साथ ऑक्सीजन को लेकर करेंगे बैठक, इसके बाद ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ भी करेंगे बैठक पीएम मोदी। पीएम मोदी कोरोना कंट्रोल के लिए शुक्रवार को ताबड़तोड़ बैठ के करेंगे, और इसी वजह से कल की उनकी जो रैली थी उसको रद्द कर दिया है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि कल बड़ी बैठक ऑक्सीजन को लेकर छिड़ी हुई है, महाजंग, ऑक्सीजन इस वक्त संजीवनी है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो कल बड़ी बैठक प्राइम मिनिस्टर मोदी की सभी राज्यों के सीएम के साथ भी, और ऑक्सीजन पैदा करने वाली कंपनियों के साथ भी, ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ भी शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग। ऑक्सीजन पर मचे कोहराम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे बात करेंगे अब मुख्यमंत्रियों से भी और ऑक्सीजन कंपनियों से भी। मेरे साथ दो मेहमान, तीन मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, बल्कि प्रियंका गुप्ता जुड़ी हुई हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर समीर गुप्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनल
मेडिसिन से हैं और मेरे साथ डॉक्टर अनिता, मेरे साथ अनिता अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गुप्ता जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि इस ऑक्सीजन, कोरोना से जंग हम लड़ रहे हैं, इस बीच में ऑक्सीजन को लेकर के इतनी बड़ी जंग छिड़ जाना कितना जायज़ है? इतनी बड़ी राजनीति का छिड़ जाना कितना जायज़ है? जायज और नाजायज की बात तो तब आती है जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो। जब ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पा रही है हॉस्पिटल, मैं लखनऊ के शेखर हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, जहां पर लोग वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं और वहां ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप ले जाइए। और ये किसी एक हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रही हूँ मैं, ये मेयो का भी हाल है, ये हर जगह का हाल है। आज जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सब में ये कह दिया गया है कि हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। और इस समय ऑक्सीजन की वैल्यू हम और आप शायद न समझ पाए, पर एक वेंटिलेटर पर लेटा हुआ या एक बेड पर लेटा हुआ जो पेशेंट्स है, ये पेशेंट है और उसके जो रिश्तेदार हैं, उनको समझ में आ रही है वैल्यू, क्योंकि वो घंटों लाइनों में लग रहे हैं जबकि ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, सिलेंडर रिफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। उन्हें पहले से पता था कि कोरोना की जब भी दूसरी लहर आएगी, ये उनका खुद का सर्वे है कि जब भी दूसरी लहर आएगी और ज्यादा भयंकर रूप से आएगी, पर सरकार बिजी है कहाँ? सरकार बिजी है अपने चुनाव की रैलियों में, जो आज उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री जी ने कहीं कैंसिल की है। फिर भी अगर मैं बात करूं गृह मंत्री जी की, वो भी आज तीन तीन रैलियां कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है और जिम्मेदारी को महसूस करना, कब महसूस कर पाएंगे ये जो सरकार है हमारी, ये दो सवाल खड़े होते हैं। क्या इतनी जाने जाने के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल पाई हैं? 7500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है हमारे पास जिससे हम पूरी तरह से सप्लाई कर पाए। और ये ऑक्सीजन की कमी यहाँ खत्म होने वाली नहीं है, ये अगर इस देश में चलाना है और अगर इस देश को इस समय बचाना है तो ऑक्सीजन जनरेट करनी होगी। गवर्नमेंट को कई तरह से ऑक्सीजन किस तरह से बनाई जाए ये सारा कुछ उसको बिल्कुल युद्ध स्तर पर लेना होगा, नहीं तो इस तरह की त्राहिमाम। अनिता अग्रवाल जो हम बीजेपी की प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कभी नहीं देखा होगा और वो देखने की नौबत आ गई है। राइट राइट। और मेरे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता भी जुड़े हुए हैं जो को चेयर हैं हेल्थ कमेटी के, पीएचडी चैम्बर के भी डायरेक्टर हैं, कार्डियक कैथ लैब के भी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार डॉक्टर समीर। मैं इस ऑक्सीजन क्राइसिस के ऊपर आपसे समझूंगा, बट बीजेपी स्टेक डॉक्टर अनिता अग्रवाल जी, क्यों इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा हो रही है इतने बड़े वक्त में जब ऑक्सीजन संजीवनी है? क्या तैयारी में कमी रही, अंदाजा गलत निकला, या पता ही नहीं चला कहाँ से कोरोना ने अचानक से हमला कर दिया दोबारा? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं चला। शुरू से कहा जा रहा था कि आप अपना मास्क और अपनी दूरियों को बनाए रखिए, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और एकदम से जब ये सेकेंड वेव आई उसके बाद जो है, हम लोगों ने पूरी तरह से ऑक्सीजन की जो कमी आई उसमें मुख्यमंत्री जी ने इस आपूर्ति को बड़ी गंभीरता से लिया। उसमें कम से कम 13 ऑक्सीजन प्लांट जो उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं और एक प्लांट उन्होंने दो ही दिन के अंदर लगवा दिया पीजीआई में, और उसके बाद उन्होंने 750 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन किया। इसके अलावा 75 जिलों में 81 इकाइयों में रोजाना 900 मेट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग हर जिले में हो रही है। तो आज भी देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, पहले कमी थी, लेकिन इस समय वो कमी को पूरा कर दिया गया है और आज अब ऑक्सीजन की कमी को मतलब मैं ये नहीं कहती पर में जो बिना मास्क के लोग जा रहे हैं क्या उनका चालान? अरे सुनिए प्रियंका जी क्या आपने रैलियां नहीं की? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, आप लेकर ये मास्क को लेकर प्रियंका जी, आप पहले महाराष्ट्र को संभाला आपने, आप अपने आरोप लगा रहे हो, मत लगाइए। यही राजनीतिक रैलियों में बिना मास्क लगाए हुए देखिए, अजय जी राजनीतिक पार्टियां जो आरोप लगाती है ना यही गलत है। बिल्कुल इस वक्त बिना मास्क लगाए हुए जाते हैं, इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स इसमें राजनीति ना करिए, राजनीति मत करिए इसमें। आपने भी रैलियां की है, आपने भी सब कुछ किया, ऐसा नहीं है कि खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये आप कर रहे हैं। आपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, आपने लोगों को कहा कि हमारे पास वैक्सीन ना लगवाइए, पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन की कोई कमी नहीं है तो जरा घरों से निकलकर
और हॉस्पिटल में आपको बताया, अरे आप ये बताइए महाराष्ट्र में नासिक में, अरे नासिक में आपने देखिए कितनी गंभीरता हुई है, अरे आप ये बताइए महाराष्ट्र में आपका कैसे गैस फटा मालूम है आपको, नासिक में क्या हाल हुआ अपने महाराष्ट्र पंजाब को आप संभाल कर चलिए, नहीं दुख नहीं है आपको, आपको दुख नहीं, आप राजनीति कर रही हैं, आप राजनीति मत करिए, कम से कम उसमें सहयोग करिए, हम तो उसमें राजनीति नहीं कर रहे ना, हम तो आपका सब चीज सहयोग कर रहे हैं, प्लीज मैम यस डॉक्टर समीर गुप्ता, हाउ रियलिस्टिक इट इज डॉक्टर समीर गुप्ता, कितना ये रियल है प्रॉब्लम, क्योंकि हम दोनों तरह की बातें सुन रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू आया, सडन डिमांड बढ़ा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई, बट वो स्टेबलाइज हो रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है तमाम ऑक्सीजन को, क्या सिचुएशन है ऑक्सीजन का इस वक्त, क्यों हॉस्पिटल हॉस्पिटल में क्राइसिस पैदा हो रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं, एक इंसान हूं। द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन, जो प्रॉब्लम जो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, द प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल जो प्रॉब्लम है, ये एक असली प्रॉब्लम है, चाहे ये बन नहीं रहा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, जो भी कारण बोलो आप उसका, सफर कौन कर रहा है? मेरा मरीज। वो मरीज कौन है? वो मरीज आप सबका भाई है, आप सबकी बहन है, आप सबके पेरेंट्स हैं, आपका पड़ोसी है। आज की तारीख में सर मुझे दिन के 100 कॉल आते होंगे कि डॉक्टर साहब बेड दिलवा दो, डॉक्टर साहब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हेल्प कर दो, और हम सब लोग हेल्प कर रहे हैं, पूरी मेडिकल कम्युनिटी दिन रात लगी हुई है, अपने घर वालों के साथ नहीं रह रहे कि कहीं हम घर जाके इन्फेक्ट ना कर दें, ये स्ट्रेन इतना खराब आया है, और जब हम लोग ये कर रहे हैं, मरीज आ रहा है हमारे पास उम्मीदों के साथ, एंड रिजल्ट क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन अस्पतालों में कमी है, कुछ अस्पतालों में खत्म हो गया। आपको जो कारण बोलना है बोलो, आपको जो कहना है कह लो, डॉक्टर समीर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कई दिनों से, मैं उसको समझना चाहता हूँ आपके बरी, डॉक्टर मिश्रा होते तो शायद वो भी जवाब इसका देते, मगर आप हमें समझाएं। वी हैव अ टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, और जो जिसमें तमाम साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल फील्ड के, जो लगातार काम कर रहे हैं कोविड से फाइट करने के लिए, क्या इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि मार्च अप्रैल 2021 में ये वेव फिर से आ सकता है, और ऐसे आ सकता है कि विद इन फ्यू वीक्स इट विल क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज, क्या किसी को पता नहीं चला? क्या यह पॉसिबल नहीं था पता रखना? डॉक्टर डॉक्टर समीर गुप्ता, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे कि ऐसा होना है नहीं होना? जितनी तेजी से ये आगे बढ़ा, देखिए पुराना जाके बैकग्राउंड में जाके हमने ये ठीक से नहीं करा, हमने वो ठीक से नहीं करा, वो तो बहुत आसान काम है, गलतियां पॉइंट आउट करना इज द इजीएस्ट थिंग सर, हमें पॉजिटिव रहना है। लेकिन अगर हम इफ यू गो बैक एंड सी, हमारे नंबर्स बहुत कम हो गए थे, 10,000 8,000 9,000 पे पहुंच गए थे, कोविड मतलब कोविड वार्ड अस्पतालों में बंद हो गए थे, एवरीबडी वॉज आउट। हम सबकी गलती है, ये हम सबकी गलती है, हम सब सिटीजन्स की गलती है कि हम लोगों ने इसको धैर्य नहीं करा, हमने मास्क पहनने बंद कर दिए, हम लोग बाहर जाना शुरू कर दिया, रेस्टोरेंट खुल गए, सब शादियां होने लग गई 200-200, 400-400 लोगों की, जब तक ये पूरी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, जब तक सारी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करा गया था, हम लोगों ने गलती करी है, इट इज आर फॉल्ट, हम और किसी को ब्लेम क्यों करें? और उसके बाद हुआ क्या, ये जो वायरस म्यूटेट कर गया, इट बिकेम, अब जो वायरस आया है हमारा, ये ज्यादा कंटेजियस है, ज्यादा विरुलेंट है। इतना ही वक्त था मेरे पास, हम पॉलिटिक्स की बात करना चाह रहे हैं ना ही ब्लेम गेम, बट ट्रुथ ये है कि कहीं ना कहीं तो मिसकैलकुलेशन हुआ, वो जिस भी एंड से हुआ हो, मगर इस वक्त आज महाबहस के स्पेशल एडिशन में हमारी कोशिश थी ये बताने की कि कुछ प्रॉब्लम जो इस वक्त हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, दवाइयों की हो या बेड्स की हो, हम उनके बिना भी करीब करीब 95-96% लोग घर पे बैठ के कैसे लड़ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो महाबहस तो YouTube पर जाइए और देख लीजिए, देश के टॉप डॉक्टर्स ने हमें समझा दिया है, आप उसको फॉलो कीजिए, शायद अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़े। धन्यवाद आप सबका, जारी है खबरों।